फ्रेंड्स, ये एक ऑयल होम ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन है, तो इसके बारे में सर आपको डिटेल बताएंगे। इसमें सभी सीड्स का आप ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे कि सिंगदाना है, इसको डायरेक्ट सीड को डालना है, इसका ऑयल नीचे आ जाएगा और यहाँ से उसका फायदा। नीचे से ऑयल आता है, जस्ट आपको ऊपर से जो है जो भी है ग्रेन्स डालने हैं, ग्राउंड डाल रहे हैं, तो नीचे से जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग ऑयल बाहर से खरीदते हैं वो रिफाइंड ऑयल होता है, जिसके अंदर रिफाइन करने के वक्त एक केमिकल डाला जाता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, तो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बेसिकली ऑयल तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से फाइबर भी आपको यूज होता है। ये नेचुरल है और ये फाइबर है, जैसे बच्चों को हम हॉर्लिक्स बोर्नविटा खिलाते हैं, उसके अंदर उसका यूज किया जाता है। इसको हम लोग खा भी सकते हैं, चटनी में यूज कर सकते हैं, यूजेबल है, सभी तेल भी यूज हो जाते हैं और फाइबर भी यूज। ये पूरी तरह से प्योर नेचुरल ऑयल है, सारे के सारे। और ये कोल्ड प्रेस प्रोसेस है, यानी कि कोल्ड प्रेस टेक्निक से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल को। हॉट प्रेस में क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज ऑयल की चेंज हो जाती है, लेकिन कोल्ड प्रेस मशीन में ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते। कितनी निकलता समझा, एक किलो शिमला का 450 से 500 लीटर। एक किलो में आपको 500 लीटर 500 ml का आपको ऑयल मिलता है, एक किलो अगर सिंगदाना डाला दो। और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स यूज कर, तिल यूज कर सकते हैं, जवस जिसको बोलते हैं, फ्लैक सीड, सफोला ऑयल एंड ये मस्टर्ड ऑयल, और भी बहुत सारी चीज़ें, थुरसनी जिसे बोलते हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ें सोयाबीन, वो सब उसका नहीं कर सकते क्योंकि उसमें केमिकल ऐड करना ही पड़ता है। सनफ्लावर का भी वही, आप एक किलो डालेंगे तो आपको एक बूंद निकलेगा, 250 ml निकलेगा। और ये फाइबर भी आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये मशीन है, तो अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, कमर्शियल नहीं है, डोमेस्टिक कमर्शियल बड़ा मशीन, क्या था अपन कैपेसिटी बढ़ा रहे थे। हाँ, ये मोटा प्लांट।